देखिए, पिछली बार भी दिवाली के बाद विधानसभा के लिए बहुत कम समय बचा था और परिणाम में सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इस बार भी दिवाली बीच में है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अच्छे बहुमत के साथ में जीत कर आए। लेकिन विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि 10 महीने हो गए लेकिन कोई विकास नहीं हुआ है। आरोप नहीं लगाएं तो करें क्या? सरकार जनता ने बनाई नहीं, बोलने के लिए कुछ है नहीं और कुछ नहीं किया इसके कहने के अलावा कोई चीज नहीं है। कोई आंकड़े दिए उन्होंने, किसी तरह का कोई ऐसा दावा किया हो कि ये चीज ऐसे नहीं हो, खाली ये है कि कुछ काम नहीं हुए। काम नहीं हुए तो रास्ता नहीं ही चल रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल जी देशों में जा कर के जिस तरह मीटिंगें कर रहे हैं राइजिंग राजस्थान के लिए, कभी देखा है हमने? हमने अशोक गहलोत जी को भी रिसर्जेंट राजस्थान करते हुए देखा था, कहीं नहीं गए। लोग आए और बुराई करके चले गए। हमने अपने कानों से सुना, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कहा कि हमारी राजस्थान में कोई रुचि नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भजन लाल जी दुनिया में जा कर के कितनी कर्मठता से अपनी बात रख रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि पानी के समझौते कितने आगे बढ़े हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के ऊपर कितना काम चल रहा है। ये जब सामने आएगा लोगों को तो लोगों को आश्चर्य होगा। और फिर सबसे बड़ी बात है कि आज कोई भी पुलिस प्रशासन का व्यक्ति किसी को तंग नहीं कर सकता। सबसे बड़ी आज़ादी लोकतंत्र की जीत यही होती है। सर, अब सबसे जो होट सीट है खींवसर विधानसभा भी है, दाऊद दोसा सीट बनेंगे तो वो कैसे आप देखते हैं? नहीं नहीं, खींवसर में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। खींवसर में कोई मुकाबला ही नहीं है। और दोसा की कहानी दोसा वाले सब जानते हैं। ये स्थिति झुंझुनू के अंदर है। मतलब क्या ये तय कर लिया जाए कि पहले दादाजी लड़ेंगे, फिर पिताजी लड़ेंगे, फिर बच्चे जी लड़ेंगे और फिर आने वाले बच्चे जी लड़ेंगे? क्या बात हो गई ये? आपने तो सारे ही रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। और कितने झुंझुनू की सीट तो 17-18 हजार वोटों से पीछे रही थी लोकसभा की। झुंझुनू में लोकसभा के अंदर शायद वो पीछे ही थे, कहां से जीतेंगे? आप कैसे देखते हैं 7 सीट पे चुनाव? बीजेपी भाजपा जीतेगी सब जगह पर, सब जगह पर। जयपुर की बात करें, आप सिंगला विधानसभा से आते हैं, उसमें विकास की बात करते हैं, काफी बार बार चीजें आती, तो आप कैसे देखते हैं उसको? कैसे देखिए, जयपुर के सिविल लाइन्स के अंदर बहुमुखी विकास हो रहे हैं, कुछ प्रयोग हो रहे हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जिस तरह का काम हो रहा है वो हिंदुस्तान के अंदर पहला प्रयोग है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे किसी भी तरह से प्राइवेट स्कूल से पीछे नहीं हैं। उनके लिए उनकी मीटिंगें होती है, प्रिंसिपलों की कमेटी बनाई हुई है, जनता के प्रतिनिधियों को उससे जोड़ा हुआ है, उनके वर्कशॉप होते हैं। बच्चों के अंदर कैसे आत्मविश्वास विकसित हो इसके लिए प्रयास होते हैं। ये तो शिक्षा का विषय है। और बाकी हम लोग ये सोच के हैं कि सड़क, बिजली, पानी, इनकी समस्या जितनी जल्दी हो सके इसको ठीक करके विकास का काम होना चाहिए। और आप देखिएगा, सिविल लाइन्स हो या जयपुर हो, इसका मजबूत होना, इसका सुंदर होना, इसमें आकर्षण होना, ये राजस्थान के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी। हमारे पास है क्या? हमारे पास या तो अपने शौर्य का इतिहास है और या कोई पर्यटक आए तो कहने के लिए है कि जयपुर आकर के देखिए। तो अगर इसी को नहीं संवारा गया तो काम नहीं चलेगा, जनता स्वीकार नहीं करेगी। मैं अगली बार वोट मांगने के लिए गया और पार्टी ने मेरे को टिकट दी, जनता नकार देगी कि किया क्या है 5 साल के अंदर। तो इसलिए बहुत चिंता भी है और कोशिश भी।